आज की वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? देखिए, आपने अगर बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक का लोन नहीं भरा तो बैंक क्या कर सकती है आपके साथ और क्या नहीं कर सकती है, इन दोनों बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो गैर निष्पादित संपत्ति होती है, ये एक ऐसी संपत्ति होती है जब आप कोई लोन लेते हो और लोन और ब्याज दोनों जो है 90 दिन तक, ठीक है, 3 महीने तक अगर आप उसे चुकाते नहीं हो, अगर ना ही उसका मूलधन देते हो, ना ही ब्याज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी जमा नहीं करते हो, तो ये पैसा जो है एनपीए में चला जाता है। फिर ऐसे अकाउंट को एनपीए अकाउंट, ऐसे कस्टमर को एनपीए कस्टमर बोला जाता है। फिर बैंक क्या करती है, आपको कॉल करती है, आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो एक नोटिस भी जारी करती है। अगर फिर भी अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते तो आपको एक बैंक्रप्ट मतलब आप फ्रॉडस्टर का एक नोटिस जारी करती है। अगर आप उस पर भी जवाब नहीं देते हो, फिर आपको एक लोक अदालत का नोटिस जारी करती है कि कचहरी आओ और सारे लोन निपटाओ। अगर आप फिर भी नहीं जाते हो तो बैंक आपको एक आरसी जारी कर देती है, जो कि इसका मामला जो है न्यायालय को चला जाता है, कोर्ट को चला जाता है। कोर्ट की प्रक्रिया के तहत जो अमीन होते हैं, उसके मुनीब होते हैं, वो आपके घर आते हैं। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो आपको एक नोटिस जारी कर देते हैं कि आप कोर्ट आइए और अपने ये जो है पैसे चुकाइए। अगर फिर भी नहीं करते हो तो कोर्ट क्या कर सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है और आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि एनपीए केस में होती हैं, ठीक है। फिलहाल वहां तक पहुंचने में बैंक को कई साल लग जाते हैं, उतने प्रोसीजर तक, ठीक है। तो अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है तो बैंक का जो लोन है वापस आपको चुकाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एनपीए ना होने पाए तो आप क्या करो, जैसे ही बैंक से लोन लो उसके ठीक उसी अगली किस्त पे, जैसे फर्स्ट ईएमआई आए तुरंत आप ईएमआई भर दो। 2-3 ईएमआई लगातार अगर आप भर दोगे तो आपका खाता जो है एनपीए नहीं होने पाएगा, ठीक है। आप नहीं पैसे जमा कर पा रहे हो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही पैसे जमा करोगे आपका अकाउंट जो है एक्टिव मोड में रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड मोड में रहेगा, आपका एनपीए नहीं होने पाएगा। नहीं तो DB1, DB2, DB3 में चले जाएंगे तो आपका अकाउंट जो होगा पूरी तरह से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक। तो बैंक से आपने लोन लिया है और बैंक क्या कर सकती है, लोन नहीं दोगे तो सारी प्रोसेस मैंने बता दिया, क्या नहीं कर सकती है। तो बैंक आपके, अगर आपने होम लोन नहीं लिया है, अगर आपने एसेट्स लोन कोई नहीं लिया है, मतलब कोई एज ए गिरवी नहीं रखा है बैंक पे, तो बैंक आपके घर को बेच नहीं सकती, खेत को बेच नहीं सकती, आपके ऊपर प्रेशर यथासंभव बना सकती है, बस आपकी बेच नहीं सकती, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट गिरवी रख दिया घर का, खेत का, तो बेच भी सकती है, ठीक है। सरफेसी एक्ट वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इतना वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है कि एनपीए क्या है और आप कैसे इससे निपटें। फिलहाल कुछ और पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी इतना ही, धन्यवाद।